आज आपने बेरा था खरड़ और मीरगढ़ गांव दोनों गांव ने मिलकर अनिश्चितकालीन धरना स्थापित करके था बिजली की समस्या को लेकर। और आज धरना ना 14वां दिन था भाई। आज देखो धरना में इससे पहला विधायक भी आया, एमपी सुनीता दुग्गल भी आई, और आज एससी एसटी जो भी एक्शन वगैरह है जो भी अधिकारी बिजली के विभाग के वो सभी ग्रामीणों का बीच में पहुँचे और इनका आश्वासन दिया है भाई जल्द से जल्द आपका जो बिजली घर है वो भी बनाया जाएगा, जो समस्या हुए भी पूरी करी जाओगी। आज खुशी की बात यह भाई देखो नया बिजली घर की नींव ग्रामीणों द्वारा और एक्शन द्वारा एससी द्वारा रख दी गई है, और जो मटेरियल बिजली घर खतर लगना भाई ईंट वगैरह मसाला वगैरह वो भी आ गया भाई। देख सको पित्तल आ गया, जो यहाँ पर पेडे थे वो कटा दिए गए इस एरिया में भाई। इस एरिया में बनागा बिजली घर नया, और जो भी जेसीबी वगैरह मशीन बुलाएगा करवाया दिया तैयार। और आज भाई गांव खतर बहुत खुशी की बात है, और एक एकता की मिसाइल खड़ी करी, भाईचारा की मिसाइल खड़ी करी भाई दोनों गांव ने मिलकर। कहा जा भाई एक तय दो मिलकर काम करानी हो काम सफल हो वह है। और मेरा पीछे ग्रामीण है बहुत खुश है, ग्रामीण कैश का भाई यहाँ पे ग्रामीण बहुत खुश है। ग्रामीण ने देखो खरड़ और मीरगढ़ गांव ने बहुत बढ़िया भाईचारा की मिसाइल खड़ी करी, कह करा जो काम एक बंदा नहीं कर सकता नहीं उसमें दो भाई भाग ले जानी हो काम सफल हो वायो है। और आज हुआ बात अमीरगढ़ और खरड़ गांव ने मिलकर करी है, और या बात नहीं भाई इनका समर्थन में बिनैन खाप मोर खाप और भी जो भी अपने हरियाणा खाप वो भी इनका समर्थन में उतरी है, और सरकार के गुट ने टिकाण का काम करा भाई दन्नू ग्रामीण दन्नू गामा के ग्रामीण। बातचीत करेंगे हमारे साथ में गाँव के मौजूदा लोग हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। देखो जी आज आप खातर बहुत पहले तो खुशी की बात है, आपका 14वां दिन था धरना चालिया ने, और आज आपका बीच में एससी है एक्शन आपका बीच में आए, नया बिजली घर की नींव रखी और जो मटेरियल है वो भी पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी, आपके चैनल का भी, और आपके तमाम दर्शकों का। खुशी की बात है आपने बताया, आज बहुत खुशी है मेरे दो एगामा ने कि आज जिस काम के लिए हम 14 दिन से यहाँ बैठे थे आज खुद एससी साहब आए हैं, एक्शन साहब को साथ ले रहे थे, उद्घाटन किया एक प्रकार से हम कह सकते हैं, शिलान्यास किया इस काम का, और हम उम्मीद करा कि ये काम स्पीड पकड़ागा बहुत जल्दी बनागा। और इस काम का जो ये जीत है, एक जीत की एक पीढ़ी हमने पूरी कर ली, इस जीत का श्रेय में मेरे बड़े बुजुर्गान ने मेरे चाचे ताऊ दादा ने दूँ, मेरी खाप ने दूँ, दोए गामा ने दूँ, गुआंडिया ने दूँ, जिस थी आके हमारी मदद करी, और बहुत सहयोग हमारा हर हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता का रहा। उन सबना मैं कमेटी की ओर से धन्यवाद भी देवा। अरे एक अगली बात कहाँ, अभी हमारी कमेटी का फैसला के धरना उठा नहीं, धरना चालू रहेगा हमारा, इबे पूरा काम करा के उठाएंगे जब तक हमारा गांव का पेटा मीरगढ़ खरल का नहीं भरता इतना धरना नहीं हुआ चलेगा। हाँ जी आखिरी मैंने कह करा भाई नू पैर रखे करा है आखिरी में जूं तैयार होया पाछा पहला कदम रखे करा जूं करो। यही बात है देखो हम आंदोलनकारी लोग हैं और इसमें सबर बहुत देखा, दो साल से हम बोले नहीं ताकि महकमा या कोई राजनीतिक लोग कुछ न कुछ जो इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़े शर्म और दुख की बात है कि कोई नहीं बोलिया हर कहीं दो गामा के लोगों ने आवाज़ उठानी पड़ी और सड़क पर बैठना पड़ा, और आज इनका संघर्ष रंग लेकर आया शुरुआत होगी, हम उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी हमारा काम बनागा, और उसके बाद बहुत खुशी होगी जब दो गामा का बिजली जावेगी। हमें हमारी माँ बहना ने हमारी बेबिया ने बहुत सहयोग हमारा करे, उनका भी धन्यवाद करा। देखो जी यह बात है कि मातृशक्ति वाली जिस दिन शुरू के दो दिन हो गए थे धरना शुरू हो जाना उस टाइम पर महिला शक्ति अपनी नहीं थी इसमें जो भी आपका धरना था, और दो दिन तीसरा दिन आई है और बहुत रंग साथ के साथ आज खुशी की बात हुई है, आप इसका बारा महिला शक्ति को क्या कहना चाहोगे? हाँ मैं तो एक बात आपने कह सका, किसान आंदोलन में हमारी एक साल की ट्रेनिंग हम दिल्ली करके आए हैं, और दिल्ली का जो आंदोलन हमने जीता वो हमारी माँ बहनों के बगैर हम जीत नहीं सकते थे। हजारों की संख्या में रोजाना मेरे इलाके से दिल्ली हमारी माता बहनें जाती थी, और आज भी हमने जब दो गामा की पंचायत इकट्ठी हुई उनमें फैसला कराया, मेरी चाची ताई हमारी बहू बेटी आई इसमें, उनका तो घना सहयोग है, और वह कह के गई ही वे मरते नि बोली भाई जे इसमें काम में किमें कसर रह जाए करके बता दियो हम और गण ही आ जाएंगे, तो इसलिए मैं उनको तो और भी ज़्यादा धन्यवाद देना चाहवा, महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, और बहुत खुशी की बात है ई भी इलाका का किसान मजदूर जाग गया, कोई भी समस्या हो हमारे गाँव में फैसला कर लिया हमारी कमेटी ने, जो भी निर्माण कार्य किसी महकमा से संबंधित हो जे हमने न्यू बेरा पट गया उरा फलाना अफसर लापरवाही बरत है उती बक्सा नहीं गए हमारा काम लड़का पूरा करावांगे। जी देखो जी एक बात तो रही, जो एरिया जो साफ कराया गया लगभग कितना एरिया में आपका जो नई बिल्डिंग वो बनेगी बिजली करके? ऐसा है कि इसकी जो नक्शा है अभी वो हमारे पास पहुंचा नहीं, वो पहुंच जाएगा बहुत जल्दी,
अधिकारी उस पर लग रहे हैं, 5 किले मेरा गांव ने बगैर किसी कंडीशन के, बगैर किसी शर्त के 5 किले इस बिजली विभाग को दे रखे हैं, और साथ में माटी डाल गए नहीं खरल ने, ये गांव की जमीन है खरल की, मीरगढ़ मारा छोटा गांव है वो भी बिजली घर से जोड़ रखा है, 5 किले दे रखे, हमने कोई 1 रुपया भी हमारी पंचायत ने इस पर नहीं लिया, और इसलिए हम तो बहुत पहली कहा था बात है कि इस प्रकार की जो समस्या है नी वह तो अड़ अलग नौबत आनी नहीं चाहिए थी, नौबत आई हजारों हजार लोग सड़क पर बिठाए, या नाकामी है सरकार की। और आटे में चिताना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितना साथ हमारा गुआंडा ने दिया है, अगर और गुआंडा में भी कोई इस प्रकार की समस्या होगी नहीं, हम आश्वासन देवा हमारे दो गांव भी उन गांव का साथ भी देंगे। जी देखो जी, जो आपका समर्थन है विनयन खा पाई या और भी मोर खा पाई अन्य खा पे हरियाणा के समर्थन में उतरे संगठन हो चाहे कोई भी, उनको क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे ये धरना किसी एक संगठन का नहीं था, ये हमारी लोकल पंचायत की सहमति हुई थी, और इसमें हमारी खाप ने जो शुरुआत करी हमारे जो तपा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम सिंह जी आए, उसके साथ से उजियाना खाप है चाहे और हमारी लागदी खाप है, सारिया ने साथ दिया। हम उन खाप पंचायतों का भी इस धरना की कमेटी की ओर से उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं।